Good morning, my dear students. I welcome you all in this online class. Dear students, we are doing our chapter articles. Yes, na? And there are three articles: a, an, and the. We have done a and an. We have done use of article a and an. Let's recapitulate what we have done. A and N are indefinite articles. A और N आपके क्या है? Indefinite articles. Yes ना? You have done this ना? And the क्या है आपका? The है आपका definite. Clear? A and N are indefinite article and the is definite article. और कहाँ use होता है A और N का? A is used before those words that begin with a consonant sound. कहाँ पे यूज करोगे आप A का? जहां पर भी साउंड क्या होगी? कॉन्सोनेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल देखो लुक हियर. व्हाट इज दिस? कैट. सी ए टी. कैट. कैट में किसके साउंड निकल रही है आपकी? कॉन्सोनेंट की निकल रही है ना? क. क्लियर? सो आ कैट. क्लियर? And you know very well how many vowels are there? Five. How many? Five. A, E, I, O, U. Clear? These are five vowels na? और जहां पर भी ये होंगे आप वहां पर क्या लगाओगे? N. But you will also see the pronunciation of that word. Clear? For example, N is used before those words that begin with a vowel sound. और n का use कहाँ करोगे? जहाँ पर sound क्या होगी? Vowel होगी. आप sound को देखोगे. For example, look here, elephant. What is this? Elephant. और e क्या है आपका? Vowel है ना? Yes, e is vowel. और आप इसको pronunciate करोगे कैसे होगा? ये elephant, ele. Clear? तो क्या sound निकल रही है? Vowel की. N elephant. Clear? आप example जैसे R, H O U R. Clear? ये क्या आपका H? H is consonant. लेकिन जब आप इसको बोल के देखते हो H क्या होता है आपका? Silent होता है R. तो यहाँ पे क्या कर दोगे? N R. Clear? So A is used with the words that produce वो कॉन्सोनेंट साउंड. एंड एन इज यूज बिफोर दोज वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ वोवल साउंड. क्लियर? टुडे वी विल डू आर्टिकल द. सो डियर स्टूडेंट्स, वी यूज द व्हेन वी टॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग. आप द का यूज कहाँ करोगे? जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बातें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. क्लियर? For example, give me a book. Give me a book. Suppose मैं कह रही हूँ give me a book. Clear? It is normal thing ना? But give me the book kept on the table. मुझे वो book दो जो कहाँ रखी हुई है? Table पर. On the table. Give me the book. Clear? Give me the book kept on the table. वो बुक दो जो कहाँ रखी हुई है? टेबल पर. सो वी यूज द व्हेन वी टॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग. हम किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं. क्लियर? कौन सी पर्टिकुलर बुक? दैट इज केप्ट ऑन द टेबल. क्लियर? यस ना? सो वी यूज द व्हेन वी टॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग. अगेन सेकंड रूल क्या है आपका? We use the when we speak of any person or thing again. Suppose करो जो अगर हम किसी person या thing के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम first time उसकी बात करते हैं तो आप क्या लगाओगे? A. Clear? जैसे I saw a cat. Clear? जब मैं फर्स्ट बार उस कैट के बारे में बात कर रही हूँ तो क्या क्या अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे? अ कैट. क्लियर?
अगेन जब कैट का है दोबारा फिर से डिस्क्राइब करना करना है तो क्या लगाओगे? आई सा अ कैट. द कैट वॉज वेरी क्यूट. आई सा अ कैट. द कैट वॉज वेरी क्यूट. फर्स्ट टाइम आपने जब कैट के बारे में बताया तो क्या लगाया? आ. लेकिन सेकंड टाइम उसी कैट को जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो क्या लगा दोगे? द कैट. सो व्हाट इज द रूल? वी यूज द व्हेन वी स्पीक ऑफ एनी पर्सन और थिंग अगेन. जब हम किसी पर्सन और थिंग को एक बार आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया, जब आप दूसरी बार उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, अगेन उसको बता रहे हो, तो क्या लगा दोगे? द कैट. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे आई सा अ गर्ल. द गर्ल was very intelligent. Clear? I saw a boy. The boy. Second time क्या use करोगे आप उसके साथ है? The. Clear? अब now we will do our third. We use the with the things that are unique. जो चीज क्या है? Unique है. Clear? For example जैसे moon. M double O N. तो क्या लगा दोगे? The moon. Clear? Sun, the sun. Clear? Earth, earth के साथ क्या लगाओगे? The. So we use the with the things that are unique. Clear? Again, we use the. हम the का use करते हैं names of newspapers. किस newspaper के name के साथ? जैसे the Times of India. The Times of India, the Hindustan Times. Clear? Names of rivers. Rivers के नेम जैसे the Ganga, the Ganga, the Yamuna. Clear? Yamuna. Clear? Again, title of books. किसी भी बुक्स के नेम के साथ जैसे द रामायणा. आर ए एम ए वाई ए एन ए रामायणा. द गीता. क्लियर? द रामायणा द गीता. नेम्स ऑफ फेमस एंड वेल नोन बिल्डिंग्स. जो भी आपकी फेमस बिल्डिंग है, क्लियर, उसके साथ क्या लगा दोगे आप? द. फॉर एग्जांपल द रेड फोर्ट. द रेड फोर्ट. द वी यूज द व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास. जब एक सिंगुलर नाउन पूरे के पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ क्या लगा दोगे आप? द. फॉर एग्जांपल लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल. तो आप क्या लगा दोगे? लॉयन क्या है? एक वाइल्ड एनिमल है. ये पूरी लॉयन जो उसकी जाती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या लगा दोगे? द लॉयन. सिमिलरली डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. द डॉग यानी कि पूरी की पूरी जो डॉग्स की जो जाती है वो उसको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है. वेयर यू यूज द व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास. पूरी की पूरी क्लास को वो रिप्रेजेंट करता है, तब आप किसका यूज करोगे? द. नेक्स्ट इज विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ क्या लगा दोगे आप? द. क्लियर? फॉर एग्जांपल सी इज डैश बेस्ट. बेस्ट क्या है आपके? सुपरलेटिव डिग्री. गुड बेटर बेस्ट जो अब डिग्री है उसके बारे में आप आगे रीड करोगे, ठीक है? तो जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री होगी वहां पे क्या लगा दोगे? द. सी इज द बेस्ट. क्लियर? सो आप द का यूज कहां कहां करोगे? फर्स्ट क्या था आपका? जहां पर भी आप किसी पर्टिकुलर चीज को पर्टिकुलर थिंग को डिस्क्राइब करोगे उसके साथ क्या लगा दोगे? द. क्लियर? फॉर एग्जांपल गिव मी द बुक दैट इज ऑन द टेबल. सेकंड क्या था आपका? वी यूज द व्हेन वी डिस्क्राइब अ थिंग और अ पर्सन और अ प्लेस अगेन. फर्स्ट टाइम में जब आप यूज करोगे तो क्या लगा दोगे? ए या एन. लेकिन अगेन जब आप उसको डिस्क्राइब करोगे तो क्या लगा दोगे?
the. For example, I saw a girl. The girl is very beautiful. Clear? Again, जो आपका third है वो the का rule वो क्या है? जब भी आप कोई भी चीज जो unique है, clear? जो एक है उसके साथ क्या लगा दोगे? The. For example, the sun, the moon, the sky, the earth. न्यूज़पेपर के नेम के साथ, रिवर्स का नेम के साथ, क्लियर? किसी भी जो फेमस मोनूमेंट्स है, बिल्डिंग है, क्लियर? कोई भी जो बुक्स का टाइटल है उसके साथ क्या लगा दोगे आप पे? द. और जो भी सिंगुलर नाउन पूरे अगर पूरे के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या लगा दोगे उसके साथ भी आप पे? द. और जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री है, क्लियर, उसके साथ भी क्या लगा दोगे आप पे? द. सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 14. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. What is in this exercise? Rewrite the sentences by inserting the at the right places in the following sentences. What you have to do? You have to insert article the in the following sentences at the right places. Clear? We have done the rules of article the, where we have to use article the when we talk of any particular thing. For example, give me the pen kept on the table. We use the when we speak of any person or thing again. For the first time we use a or an, but for the second time we use the. For example, a man came to our house. The man was a thief. अगर हमने पहली बार यूज किया तो क्या यूज किया है? A. लेकिन जब उसी मैन को हम दोबारा डिस्क्राइब कर रहे थे क्या लगाया है? द. वी यूज द विद द थिंग्स दैट आर यूनिक. जो चीज क्या है? यूनिक. फॉर एग्जांपल, द सन, द अर्थ. वी यूज द विद द फॉलोइंग नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नेम्स ऑफ रिवर, द गंगा, द यमुना, टाइटल ऑफ बुक्स, द रामायण, द बाइबल, नेम्स ऑफ द फेमस एंड वेल नोन बिल्डिंग, द ताजमहल. Now let's do the exercise. What is in exercise? First is Taj Mahal is a masterpiece of architecture. So Taj Mahal, it is a famous building na. So isse pehle kya lagaoge? The Taj Mahal. The. To the aapka kahan lagega? Taj Mahal se pehle. The Taj Mahal is a masterpiece of architecture. Our second is Red Fort is situated in Delhi. Red Fort is also a famous building na. The Red Fort is situated in Delhi. To kahan lagega da? In starting, the Red Fort is situated in Delhi. Moon revolves around earth. So kahan lagega aapka da? The moon revolves around the earth. The moon revolves around the earth. Our fourth is sun shines in sky. The sun shines in the sky. Clear? Our next is this is pen I was searching for. This is the pen. Kya lagega yahan pe aapka? The. This is the pen I was searching for. Clear? Our next is I read Ramayana with my mother every day. I read the Ramayana. The. Clear? Why? Because it is a famous book na, holy book aapki. Theek hai? I read the Ramayana with my mother every day. Ganga is a sacred river. Ganga, it is a river name na. So the Ganga is a sacred river. Clear? Earth is the only planet with life. The earth is the only planet with life. Red car park there is mine. The red car
द रेड कार पार्क देयर इज ए माइन. हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज द यंगेस्ट माउंटेन्स. सो द हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज द यंगेस्ट माउंटेन्स. क्लियर. इन दिस वे यू विल राइट दी सेंटेंसेस इन द गिवन प्लेसेस विद पुटिंग द. क्लियर. Our next exercise is use a, an or the to complete the following sentences. So dear students, we have done article a and the. So what will you do? You will do practice of articles. You will fill exercise second in your book and you will try to do exercise 3. Clear? Tomorrow there will be a test for articles, so be ready for that also. It is all for today. We will meet again. Till then, have a nice day. Stay safe and thank you. Okay.